प्रदेश की योगी सरकार को 4 साल पूरा होने पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता राजघाट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर दीपोत्सव मनाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखेंगे। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4 सालों में विकास का इतिहास रच दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित अन्य विकास के कार्यों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक और गोरक्ष पीठाधीश्वर तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता राप्ती तट पर स्थित नवनिर्मित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर दीपोत्सव कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु होने की कामना करने के साथ प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री बने रहने की कामना भी करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, 4 वर्ष जो भाजपा सरकार के पूरे हुए हैं, इसमें हिंदू युवा वाहिनी संगठन के रूप में क्या कर रहा है, इसमें क्या अपनी सोच रखते हैं? पिछले 4 वर्ष में हम लोगों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, इस उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि सबसे पहले तो 4 वर्षों में एक ऐसा मुख्यमंत्री बना और यहाँ के लोगों ने ऐसा देखा कि पूरे देश में और पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और अन्य राज्यों में भी ऐसे ही मुख्यमंत्री की बात लोग करते हैं कि हमें भी ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमें ये दिखाई देती है। और धरातल पे गोरखपुर कहें या गोरखपुर के बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस की एक पूरी श्रृंखला खड़ी हो गई है, जो 40 वर्षों में नहीं हो पाया वो 4 वर्ष में यहाँ पे पूज्य महाराज जी ने कर दिखाया है। स्वास्थ्य के साथ स्कूलों का कायाकल्प हो गया है। जितने भी हमारे पास 1.25 लाख विद्यालय जो हमारे हैं, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, सबका कायाकल्प हुआ है। तो पढ़ाई में बच्चों का मन अपने स्कूल को, अच्छे भवन को देख के जब वहाँ पहुँचते हैं तो कितनी बड़ी उन्हें उत्साहवर्धक रूप से उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है, ये अलग बात है। और स्वास्थ्य के विषय में जो भी गरीब हैं, वंचित हैं, जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर बीमारी से इलाज नहीं करा पा रहे थे, उसकी एक बड़ी श्रृंखला है जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको राहत दी गई है। इसके अलावा विकास की योजनाओं में भी तो बाढ़ सी आ गई है और हम लोगों को इतनी खुशी है कि कल हम लोग एक राप्ती तट पे, रामघाट पे दीपोत्सव मनाते हुए हम इस 4 साल की उपलब्धियों को भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जो हिंदू वाहिनी के मुख्य संरक्षक हैं, उनको लंबी आयु दें, दीर्घायु करें और लगातार मुख्यमंत्री के रूप में रखें, ताकि हम इस क्षेत्र का विकास कर सकें और पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश और गोरखपुर का नाम आगे बढ़ा सकें।